हम जानते हैं कि आपका संघर्ष बड़ा था और आपका मुकाबला भी तगड़ा था। कई सारे कारणों के बाद भी आपने मजबूती से अपनी एग्जाम दिए, सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र देकर के एक नया विकास का रास्ता खोलने का प्रयास किया है कि हाँ हमारे अपने भाई बहन अगर परीक्षा दी है, लेकिन केवल जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर बना के रखना यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी किसी धमकी से यह सरकार डरने वाली नहीं है, सरकार होती काय के लिए। मंगलवार को मध्य प्रदेश में पटवारियों को नियुक्ति देने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जांच के नाम पर युवाओं को बेरोजगार नहीं रख सकती। सीएम मोहन यादव ने पटवारियों को नियुक्ति पत्र देकर 470 दिनों के पटवारी भर्ती पुराण पर अल्प विराम लगा दिया है। पूर्ण विराम इसलिए कहना गलत होगा क्योंकि इस मामले को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गई है। इंतजार सिर्फ सुनवाई की तारीख का हो रहा है। बहरहाल तीन बड़े आंदोलन, 196 दिनों की जांच, 70 पेज की रिपोर्ट और 470 दिनों के बाद 8617 पटवारियों को नियुक्ति पत्र के साथ नौकरी मिल गई है। आपको बता दें कि हाल ही में भर्ती परीक्षा की नियुक्ति प्रोसेस शुरू होने के विरोध में नाराज उम्मीदवारों ने आंदोलन भी किया था। पूरे प्रदेश भर से आए युवाओं ने राजधानी भोपाल में डेरा डाल रखा था। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।